हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और मैं आज आपके लिए एक एंजल बोर्ड लेकर आई हूँ। ये एंजल का गाइडेंस बोर्ड है फ्रेंड्स। इसमें आपको पता चलेगा कि आपको अपनी लाइफ में किस तरह की गाइडेंस चाहिए, किस तरह की गाइडेंस है जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं, क्या ऐसे मैसेजेस हैं जो हमारे दूत, हमारे जो हेल्पिंग हायर जो बींग्स हैं वो आपको देना चाहते हैं। क्योंकि एंजल्स जो हैं फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में हमारे आसपास हमेशा हमारे एंजल्स रहते हैं। जब भी हम उनसे कोई भी हेल्प डिमांड करते हैं या मांगते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हमें जरूर लेकर जाते हैं। कभी कभी हमने किस रास्ते पर जाना होता है और हम खुद ही से मुड़कर कहीं और जा रहे होते हैं तो वो हमारे एंजल्स हमें गाइड कर रहे होते हैं, हमें अपना सही रास्ता दिखा रहे होते हैं, सही पाथ दिखा रहे होते हैं। फ्रेंड्स, वो बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। हमें बहुत आराम से जो अपने हायर बींग्स हैं, अपने पूर्वज हैं, अपने एंसेस्टर्स हैं, अपने गुरु हैं, अपने माता पिता हैं या फिर अपने जो भी इष्ट, जिन्हें परमात्मा को, जिन्हें ईश्वर को आप मानते हैं, तो अगर आप जिनको भी मानते हैं, अगर वो आपको मैसेज देना चाहते हैं तो वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, ये अचानक से ऐसे नहीं हुआ कि आप इस पेज पर आए हैं, मेरे YouTube चैनल पर आए हैं और स्पेशली आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसका मतलब ये है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। और वो कैसा मैसेज है, वो क्या मैसेज है जो वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं, जो आप तक देना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए आपने उनसे प्रेयर की है या गाइडेंस मांगी है या कोई लाइफ पाथ मांगा है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है जिसमें आपसे आपने उनसे कुछ भी गाइडेंस मांगी है अपने ईश्वर से, अपने प्रभु पर, तो आप विश्वास रखिए कि आप सही जगह पर है। क्योंकि यहाँ पर आपको जो गाइडेंस दी जा रही है वो एंजेलिक गाइडेंस है। वो अपने आप ही आपको, एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। चाहे वो आपको क्वाइंस दिखा रहे हों, चाहे वो आपको फेदर्स दिखा रहे हों, चाहे वो आपको बटरफ्लाई दिखा रहे हों, चाहे वो रिपीटेडली कोई नंबर दिखा रहे हों या कोई भी रिपीटेडली वर्ड दिखा रहे हैं जिसकी वजह से आपको ऐसे लगता है कि बार बार एक नंबर, बार बार एक चीज आपके आगे आ रही है, तो वो क्या बात है, क्यों आ रही है? क्योंकि वो आपको, एंजल्स जो हैं वो गाइड करना चाहते हैं, उस तरफ आपको लेकर जाना चाहते हैं, आपको उस तरफ को समझना है, उस बात को समझना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो चिल्ड्रन, बच्चों के तरफ से करने वाली हूँ। अगर आप अपने बच्चों से कंसर्न्ड किसी क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो वो बच्चों के लिए आप ये क्वेश्चन सोच सकते हैं। तो आपको येलो एंजल चूज करना है, और अगर आप येलो एंजल चूज करते हैं तो आपको अपने बच्चों से कंसर्न्ड कोई भी बात पता चल सकती है। जरूरी नहीं है कि आप कोई एंजल को चूज ही करें, पर अगर आप बच्चों से कंसर्न कुछ भी सुनना चाहते हैं या कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं तो येलो एंजल आपको जवाब देंगे। अगर अपनी हेल्थ से लेकर आपको कोई भी इशू है, प्रॉब्लम है या कोई चिंता है तो आपको ग्रीन एंजल जवाब देंगे। अगर आप अपनी रोमांस से, अपनी लाइफ में, अपने प्यार से रिलेटेड कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको पर्पल एंजल जो है वो आपको आंसर दे रहे हैं। और साथ ही साथ अगर अपने घर के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपने घर के बारे में भी पूछ सकते हैं, जो कि ब्लू एंजल आपको आंसर देंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको टाइम लिमिट बनाई थी, यस और नो में आपको जवाब था कि ये काम होगा या नहीं होगा या ये कब होगा, व्हेन विल दिस हैपन, यस और नो में। और साथ ही मैंने बताया था कि व्हेन विल दिस हैपन। साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने मनी और कैरियर को भी कवर किया था। तो आपके एंजल्स जो आपको गाइड कर रहे थे, जो गाइडेंस आपको आपके एंजल्स ने दी थी वो इस इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग दी थी। अब साथ ही साथ आपको होम, रोमांस, हेल्थ और चिल्ड्रन के बारे में, क्योंकि होम, रोमांस और चिल्ड्रन एक ही उसमें आता है, साथ में मेन इंपॉर्टेंट हेल्थ है। देखिए, अब लॉकडाउन के टाइम में आपको समझ में आया कि लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। मनी एक पार्ट है हमारी लाइफ का, पर सब कुछ नहीं है। सब कुछ जो है वो होम है, आपकी लव लाइफ है, आपकी हेल्थ है और बहुत इंपॉर्टेंट आपके बच्चे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, और मेरे हिसाब से ये ही आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो अगर आप इनसे कंसर्न्ड कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो अपने आप को बहुत काम कीजिए, बड़ा पीसफुल होकर अपने प्रभु से, अपने ईश्वर से, अपने अपने इष्ट से, अपने एंजल से आप गाइडेंस के लिए प्रेयर कीजिए। एक बार आप आईज क्लोज कीजिए और लंबी सांस लीजिए ताकि आप अपने आप को कनेक्टेड फील करें, आप अपने आप को रिलीव फील करें, आप अपने आप को एक कनेक्शन के साथ फील करें और एंजल्स जो हैं वो जो भी आपको गाइडेंस देना चाहते हैं वो आपको गाइडेंस दे पाए।
तो अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं, अगर आप अपने घर से कंसर्न कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ये क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है कि आपका घर कब बनेगा, आपने न्यू घर लेना है तो वो कब होगा, आपने पुराना घर सेल करना है तो वो कब होगा, उससे कंसर्न क्या हो सकता है, अगर आपने कोई आपको हेरिडिटी में घर मिलेगा कि नहीं, आपके घर में अगर पीस नहीं है तो क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके घर में जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी आए, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आए, प्रोग्रेस हो, प्रमोशन हो, और घर से कंसर्न आपके कोई भी क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं अभी आपको आंसर देने वाली हूं, क्योंकि आपके एंजल्स जो हैं वो आपको गाइडेंस देंगे, वो आपको आंसर देंगे, आपको बस अपने आप को कंसंट्रेट कर बैठना है और सोचना है कि ये जो गाइडेंस है वो आपको किस फॉर्म में मिल रही है। तो नंबर आया है आपका 4 and 4 8 नंबर आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने अगर अपने लिए किसी नए घर के बारे में सोचा है तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको इस बारे में और रिसर्च करना है। अगर आप पुराने घर को सेल करना चाहते हैं तो और रिसर्च कीजिए, अगर नए को लेना चाहते हैं तो और रिसर्च कीजिए। अपने घर में प्रॉब्लम्स अगर आपको फील हो रही हैं, पीस नहीं लग रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई बात ठीक नहीं लग रही है, तो रिसर्च कीजिए कि इसकी रूट कॉज क्या है, क्या बात है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, क्या बात है और कैसे हम इसे क्योर कर सकते हैं, क्या चीज है जिसको करने के बाद हमें रिलीफ मिलेगा, अपने घर में अपनी प्रॉब्लम्स के साथ हमें रिलीफ मिलेगा। तो ये जो रिसर्च है वो आपको करनी है और करके ही आपको पता चलेगा। ये आपके जो है कार्ड है वो आपको बता रहे हैं कि अपने घर में हार्मनी को बनाइए, पीस को बनाइए, एक बैलेंस्ड बिहेवियर को रखिए, एक जो घर में जिसको जैसे जो चीज़ की ज़रूरत है उसको एक बैलेंस्ड वे में रखिए, इसको कुछ भी मिसयूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पावर मिली है तो मेडिटेशन, यानी कि आपको एकाग्रता, कामनेस, ध्यान करना है। ध्यान का मतलब इंट्रोस्पेक्शन भी है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने बारे में सोचिए, अपने घर में सुख शांति के लिए आप क्या कर सकते हैं ये सोचिए, इसके रूट कॉज क्या है इसके बारे में सोचिए, दोबारा विचार कीजिए, दोबारा यानी कि बार बार अपने आप से पूछिए कि किस वजह से ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो चल रही हैं, तो किस वजह से चल रही हैं। ये अपने दिल से अगर आप पूछेंगे, अपने दिल में ध्यान लगाकर पूछेंगे, तो जो भी एमर्जिंग प्रॉब्लम्स हैं वो निकल कर आएंगी, और जब वो निकल कर आएंगी तो आपको पता चलेगा कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनके सॉल्यूशंस भी आपके पास ही हैं, बहुत ही आसपास हैं ये सॉल्यूशंस, और इस बारे में आप स्टडी भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर में स्टडी का अगर एटमॉस्फेयर नहीं है, पढ़ाई का एटमॉस्फेयर नहीं है, तो उसे बनाइए। अगर बच्चों की पढ़ाई से कंसर्न्ड आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, घर में कुछ ऐसी इशू लगता है, तो कीजिए। घर को ठीक करने के लिए, घर को बढ़ाने के लिए, घर की प्रॉस्पेरिटी के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपके घर में कुछ ही टाइम के बाद सेलिब्रेशंस का टाइम आने वाला है। थोड़ा सा बस अगर आप अपने घर पर, अपने आप पर, अपनी जिंदगी में ध्यान देंगे तो आप खुशियां ही खुशियां जो हैं वो एंजॉय करेंगे, क्योंकि आपकी खुशियां जो है वो जल्दी से आपके पास दौड़ दौड़ कर आने वाली हैं। ये एंजल गाइडेंस है, और जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिस तरह का घर आपने अपने माइंड में सोचा हुआ है, जो विजुलाइज कर सकते हैं आप अपने घर को अपने माइंड में, तो आप उस घर को आप पा सकते हैं। अगर आपने डबल स्टोरी घर सोचा है तो वो आपको मिल सकता है, अगर आपने कहीं पहाड़ों में कुछ सोचा है तो वो आपको मिल सकता है, अगर आपने कोई फ्लैट सोचा है तो वो आपको मिल सकता है। तो जो भी आप सोच रहे हैं, इन दिनों में मेडिटेशन करके आप उन्ही बातों को ध्यान लगाकर सोचिए, क्योंकि ये बातें जो हैं वो बहुत इम्पैक्ट रखेंगी। जैसा आप विजुलाइज करेंगे वैसा ही घर आपको मिल जाएगा, वैसा ही आप सेलिब्रेट करेंगे। तो आपकी विजुलाइजेशन, आपकी थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जैसी बात आप सोचेंगे, जैसी बात आप विजुलाइज करेंगे, जो बात आपने जो थॉट ले ली, जो फीलिंग्स डाल दी, वही फीलिंग्स जो हैं वो सफल हो जाएंगी और वो पूरी होंगी ज़रूर। इसलिए मैं आपको फिर कहती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से कि आप अपने विचारों को बहुत पॉजिटिव रखिए, जितना पॉजिटिव आप सोच सकते हैं उतना पॉजिटिव सोचिए, और इसको एक कंसिस्टेंट वे में एक पॉजिटिविटी बना के रखिए, क्योंकि आपकी वो सभी इच्छा पूरी होने वाली है जो आप सोचते हैं या सोच सकते हैं। तो अगर आप अपने दिमाग से कुछ भी सोच रहे हैं, अपने घर के बारे में कुछ भी सोच रहे हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है आपके घर के बारे में, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन और चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है।
घर के बाद मैं जरूर बात करना चाहूंगी बच्चों के बारे में, क्योंकि बच्चों के बारे में देखिए जो भी अगर आपको प्रॉब्लम है बच्चों से रिलेटेड, अगर उनकी पढ़ाई से रिलेटेड, अगर उनके कैरियर से रिलेटेड, अगर उनकी लाइफ से रिलेटेड, उनकी मैरिज से रिलेटेड, या उनके सेटलमेंट को लेकर, या उनके बिहेवियर को लेकर, उनके हेल्थ को लेकर, जैसे टीनेज बच्चों की मदर्स मुझसे बहुत पूछती हैं कि उनका बिहेवियर पैटर्न कब ठीक होगा, या किस तरह से वो हमारे क्लोज होंगे, कैसे वो हम एक दूसरे को और भी ज़्यादा बेटर रूप से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जो मैटर है, अगर कुछ भी आपके माइंड में आता है और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो आप उसे कैसे गाइड कर सकते हैं, उसकी न्यूट्रिशन के बारे में आप कैसे सोच सकते हैं, क्या आपको उनको खिलाना है, किस तरह का स्कूल भेजना है, कैसे नेचर के साथ एसोसिएट करना है, किस तरह का वो लव जो है वो अपनी लाइफ में फील कर सकते हैं, और कैसी पॉजिटिविटी, कोई भी क्वेश्चन बच्चों से कंसर्न्ड अगर आप पूछ रहे हैं तो ये आपके लिए गाइडेंस है। देखिए नंबर आया है 9 आया है, तो 9 हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो भी अब देखिए कितना बढ़िया आया है, वो कहते हैं कि स्ट्रक्चर है, आपकी हर बात में स्ट्रक्चर है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके लिए आपको अपने बच्चों को इस तरह से गाइड करना है, इस तरह से काउंसल करना है, एक पर्टिकुलर सेट से आप अपने बच्चों को प्लेस करना चाहते हैं, तो जो आप सोच रहे हैं वो वैसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए भूल कर भी कुछ भी नेगेटिविटी अपने बच्चों के बारे में मत सोचिएगा, अपने बच्चों के लिए या बच्चों से कंसर्न किसी भी बात को आप नेगेटिव मत सोचिएगा, क्योंकि जो भी आपकी प्रेयर्स हैं वो आंसर होने वाली हैं, जो भी आप सोच रहे हैं वो होने वाला है। आप अपने बच्चों की लाइफ को खुद से स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं, उन्हें बैलेंस सिखा सकते हैं, उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना सिखा सकते हैं। आप उंगली पकड़ के अपने बच्चों को आगे लेकर जा रहे हैं, अब आप उंगली छोड़ भी देंगे तो भी आप अपने बच्चों को काफ़ी हिसाब से स्ट्रक्चर कर चुके हैं, आप अपने बच्चों को गाइड कर चुके हैं, उन्हें एक पर्टिकुलर बेस दे चुके हैं, जिस बेस के अकॉर्डिंग वो बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, उनकी रूट्स बहुत आपने स्ट्रॉन्ग कर दी हैं, आप उनके फ्रेंड हैं, तो जो फ्रेंडशिप आपने अपने बच्चों के साथ निभाई है वो ज़रूर काम आएगी, वो ज़रूर आगे जाएगी, आपके बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, और साथ ही साथ आपके बच्चे जो हैं वो गाइडेंस भी लेंगे। ये एंजल्स की गाइडेंस है फ्रेंड्स, इसलिए आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। और आपके बच्चों को उनका ना केवल उनका सोलमेट मिलेगा, पर हो सकता है कि आपके बच्चों में से कोई भी आपका सोलमेट हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका कोई भी रिलेटिव, कोई भी फ्रेंड, कोई भी जो आप जिससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, वो आपके सोल ग्रुप में हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिक काइंड का रिलेशन हो, आपका कोई बेबी भी ऐसा हो सकता है जो आपके साथ हमेशा आपके दुख सुख में साथ दे, आपका हाथ पकड़ कर चले, और आप भी उनको लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश हों। आपके गाइडिंग एंजल्स जो हैं वो आपको गाइड करते रहेंगे, यानी कि जब भी आपको अपने बच्चों से कंसर्न कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप अपने गाइडिंग एंजल से पूछ सकते हैं, वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे, और जो ये लाइफ का म्यूजिक है उसे आप बहुत अच्छे से फेस कर पाएंगे। साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में अगर बच्चों के कंसर्न कुछ भी म्यूजिक से कंसर्न करवाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ग्रीन सिग्नल है फ्रेंड कि आप ये कर सकते हैं, आप ये करना है, आपको धीरे धीरे स्ट्रक्चर करना है। देखिए 1 से लेके 0 से लेके बल्कि मैं तो कहूँगी 0 से लेके 100 तक आपको उनको बहुत धीरे धीरे आगे लेकर जाना है, उनको बिल्ड करना है, उनकी लाइफ बिल्ड करनी है, उनको सिखाना है, उनको सब बातें समझानी है। तो जो स्ट्रक्चर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, न्यूट्रिशन से कंसर्न, लव से कंसर्न, कैरियर से कंसर्न, पढ़ाई से कंसर्न, तो वो बहुत ही अच्छे से आप दे पाएंगे। कितनी खुशी की बात है कि आपको एंजल्स ये बताना चाहते हैं कि वो सब कुछ आप कर पाएंगे जो आपने सोचा है, जो आपने समझा था कि आप अपने बच्चों के लिए करेंगे और करना चाहेंगे। तो ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव एक बात निकल कर आई है। अब हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनको की प्रॉब्लम है अपनी हेल्थ से, या हेल्थ से कंसर्न कोई भी क्वेश्चन है, तो जो आप एंजल से पूछना चाहते हैं कि एंजल्स ये आपको बताएं कि आपकी हेल्थ से कंसर्न ये क्वेश्चन है, या हेल्थ में कुछ इस तरह का कोई इशू है, या हेल्थ से कंसर्न आप क्या करना चाहेंगे कि क्या प्रिकॉशंस आप लें कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपका नंबर आया है 4 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल बात आई है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये एक बेस है,
हमारी हेल्थ कहाँ से शुरू होती है? न्यूट्रिशन से। तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आप अपने घर में अपने खाने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से देना है, यानी कि आप क्या खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, टाइमिंग्स भी क्या हैं आपके खाने की। अगर उस पर आप ध्यान देते हैं तो आपकी हेल्थ का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही पॉजिटिव आंसर्स देगा। अगर आपको लिक्विड डाइट लेनी है तो कैसे लेनी है, अगर आपको सॉलिड डाइट आप ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं लेने हैं, मेंटेन करके बैलेंस करके बैलेंस डाइट लेनी है, केवल कार्बोहाइड्रेट लेकर भी आपकी लाइफ आगे नहीं जा सकती या केवल प्रोटीन लेकर भी आपकी लाइफ नहीं जा सकती, तो आपको एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए। तो आप अपनी डाइट को लेकर थोड़े से ज्यादा कॉन्शियस हो जाए। जरूरी नहीं है कि आपको डाइट कॉन्शियस होने का मतलब है कि आपको डाइटिशियन के पास ही जाना है, आप अपनी डाइट को नॉर्मल ढंग से भी रेगुलेट कर सकते हैं। देखिए, पहले जमाने में कोई डाइटिशियंस नहीं होते थे, हमें बहुत ऐसे नहीं, मैं कह रही कि डाइटिशियंस के पास नहीं जाना है आपको, पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम अपने आप से भी, आपकी बॉडी सबसे पहले आपसे बात करेगी, आपकी बॉडी सबसे पहले आपको बताएगी कि आपको क्या डाइजेस्ट हो रहा है और क्या नहीं, और किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है। फूड के अमाउंट को बैलेंस करके भी आप बहुत कुछ चीजें जो है वो पा सकते हैं। अब इस कंसर्न में हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा हो जिसकी बॉडी ही उसका एक यूएसपी हो लाइफ का, जैसे कि एक्टर्स होते हैं या कोई भी ऐसा बंदा जो बहुत फ्रंट पर रहता है, कैमरा के फ्रंट में रहता है, ये लोगों के सामने रहते हैं। अब उन लोगों के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि अपने हेल्थ में कॉन्शियस हो जाइए। जिनको जिम की बहुत आदत है तो उनको भी एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर करनी है, पर इम्बैलेंस होकर नहीं करनी है। अगर आपको योगा करना है तो भी बहुत अच्छे से करना है। तो ये मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का एक कॉम्बिनेशन है जो आपको जो है गाइडिंग एंजल्स बता रहे हैं कि ना केवल आपको मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, पर आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और आपको बहुत तरीके के ड्रीम्स दिए जाएंगे ताकि आपको पता चले कि किस से आप अपनी हेल्थ को जो है वो बहुत अच्छा उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं और उसमें से बहुत अच्छा सा मतलब आप अपनी बॉडी भी बिल्ड कर सकते हैं जिस तरह की बॉडी आप बिल्ड करना चाहते हैं। अगर आप लीन बॉडी चाहते हैं या आप थोड़ा सा आपको ऐसे लगता है कि मुझे थोड़ा सा अपनी बॉडी को भरा भरा महसूस करवाना है, तो जिस तरह का भी आप चाहते हैं आपको इस बात पर बहुत फोकस करके रखना पड़ेगा। तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, आपको हर तरह से गाइडेंस दिए जाएंगे। और अगर अभी आपको लगता है कि मिरेकल्स नहीं हो सकते तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे फ्रेंड्स, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं, आपकी लाइफ में एक चमत्कार के हिसाब से इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है कि आपको ऐसे लगे कि आपके लाइफ में चमत्कार हो गया, आप बहुत ही अच्छे से ये कर पाए जो आप करना चाहते थे। और ये बात आपको बहुत पावर देगी, मेंटल पावर देगी, फिजिकल पावर देगी, ये बात आपको बहुत पावर देने वाली है कि आप अपनी बॉडी में जो चेंजेस करना चाहते थे, जो इम्पॉसिबल लग रहे थे, जो ऑलमोस्ट मिरेकल लग रहा था, वो कंप्लीट हो जाएगा, वो कंप्लीट हो पाएगा और आप उसे अचीव कर पाएंगे। जो आपका गोल है आप उसे अचीव कर पाएंगे। अगर हेल्थ से कंसर्न कोई आपका गोल रहा है तो आप उसे अचीव कर पाएंगे और वैसे ही अचीव कर पाएंगे जिस तरीके से आप अचीव करना चाहते हैं। तो कितनी पॉजिटिव बात है कि जैसे आप करना चाहते हैं वैसे आप कर पाएंगे और आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारे लिए रह गया रोमांस, और ये तो सबसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं, इन एंजल्स को साइड पर कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल देखिए एंजल आ रहे हैं, रोमांस के एंजल। और अगर आपका क्वेश्चन रोमांस से कंसर्न है, लव से कंसर्न है, सोलमेट से कंसर्न है, कोई हीलिंग से कंसर्न है, जो आपका दिल अगर टूटा है, अगर कोई भी ऐसा इशू है, तो देखिए आपका नंबर आया है 6। और ये 6 नंबर जो है ये बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वीनस का नंबर है। देखिए मैं तो बहुत ही खुश हो रही हूँ कि वीनस का नंबर आपके लिए आया है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन लव से कंसर्न है, प्यार से कंसर्न है, प्यार की बात से, केयरिंग से कंसर्न है, तो आपके लिए 6 आया है फ्रेंड। और 6 क्या है? हीलिंग हार्ट। तो अगर आप कहीं से भी, आपको लग रहा था कि, मान लो अगर आपको लगता है कि आपने क्वेश्चन पूछा कि आपके जो एक्स हैं वो आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे, तो आपके हार्ट को हील करने के लिए वो ज़रूर आएंगे। अगर आपने सोचा कि न्यू लव आएगा, तो यस, आपके दिल को हील करने के लिए, आपको पावर देने के लिए, आपको लव देने के लिए ज़रूर आएंगे। तो आप अगर ये सोचते हैं
कि मैं इस पेन से, इस तकलीफ से, इस बहुत ज़्यादा इस इमोशनल हैसल में से बाहर निकलूंगी, तो ज़रूर निकलेंगे, क्योंकि हीलिंग हार्ट है। निकलूंगा या निकलूंगी के मतलब है कि जिस तरह के भी आप जेंडर में हैं तो आप वो सोच सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, हीलिंग का आया है। कार्ड का मतलब बहुत ही अच्छा एंजल्स ने मैसेज दिया है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे किसी बात को लेकर, स्पेशली लव को लेकर, तो आप ये सोचिए कि अगर आपका पहला लव है या आप ऑलरेडी वेडेड हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आप पर ध्यान नहीं दे रहे, तो आपके दिल को हील करने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि आपके पार्टनर आपको ध्यान भी देंगे, आप पर बहुत ज़्यादा प्यार भी बरसाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में कोई मुझे ध्यान नहीं दे रहा, तो वो भी आपको हीलिंग मिलेगी। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके रोमांस से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उसमें बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे और बहुत ही पॉजिटिव एक मैसेज आया है। और ये मैसेज जो है ये एंजल्स के थ्रू इसलिए आया है क्योंकि फ्रेंड्स आप बहुत टाइम से सोच रहे होंगे कि मुझे ऐसा क्या, मेरे को मैसेज मिले, ऐसा क्या मैं करूँ कि जो है मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स है लव से कंसर्न वो ख़त्म हो जाए। तो इसमें सबसे पहली बात आई है कि आपको लिसन करना है, यानी कि सुनना है। अगर आप अपने पार्टनर को नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, तो आपको सुनना है, उनकी बात सुननी है, समझने की कोशिश करनी है। हो सकता है कि वो कुछ ऐसी बात आपको बता रहे हों जो आपने अभी तक सुनी ही नहीं है, जो आपको पता ही नहीं है, या कोई ऐसा राज हो सकता है वो अपने कैरियर को लेकर बहुत परेशान हो सकता है अपनी पर्सनल लाइफ में परेशान हो सकता है अपनी पेरेंट्स को लेकर किसी बात पर वो परेशान हो, तो आपने उनकी बात सुननी है। जैसे ही आप उनकी बात सुनेंगे, आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अगर आप लव को सरेंडर करते हैं और अपने एक्सप्रेशन अभी तक आपने नहीं दिए हैं, तो आप अपने भी एक्सप्रेशन दीजिए। आप भी बताइए किसी को कि अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, तो आपको एक्सप्रेस करना है। ये एक्सप्रेशंस आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे, बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ये सोच रहे, देखिए कितना प्यारा मैसेज है न्यू लव, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या कोई प्यार आएगा, तो आप ये सोचिए कि बिल्कुल से तैयार हो जाइए। क्यूपिड जो है वो आपको तीर मारने के बिल्कुल तैयार है। जी बिल्कुल, आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है और कितनी ही प्यारी आपको मैसेज मिल रहा है एंजल्स के थ्रू। आपकी जो हीलिंग है, देखिए कितना सिंबलाइज कर रहा है ये कार्ड्स भी और एंजल्स के मैसेज भी, कि आपकी लाइफ में हीलिंग होगी। एंजल्स आपको गाइड करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। जो भी पेन आपने किसी कार्मिक रिलेशंस की वजह से, अगर आपका डाइवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गई, या आपका किसी भी वजह से कोई अगर आपके रिलेशनशिप में इशू आया है, तो आप सोचिए कि आपकी हीलिंग होगी। इस समय आपको ट्रस्ट करना है अपने आप पर, अपने प्रभु पर, अपने ईश्वर पर, अपने गाइडिंग एंजल्स पर आपको ट्रस्ट करना है। अगर आप पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं तो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग चलेगा। आपको ट्रस्ट करना है कि जो भी हुआ वो आपके बेटर के लिए हुआ, वो आपको जिस समय भी पता चला, जैसे भी आपको पता चला, वो सर्कमस्टांसेस जरूर आपको पेन दे रहे हैं, पर उन सर्कमस्टांसेस की वजह से आप आगे बढ़ पाए, आपने गलत डिसीजन नहीं लिया, आप गलत डिसीजन से बाहर निकल आए, तो ये आपके लिए कितना अच्छा है। और आप ये देखिए, नेचर सारी आपके साथ है। नेचर यानी कि यूनिवर्स यानी कि एंजल्स, हायर बीइंग्स और आपके प्रभु। तो कितना अच्छा मैसेज है कि आपके ईश्वर आपके साथ हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में रोमांस से रिलेटेड हुई है, मैरिज से रिलेटेड हुई है, या कोई भी आपको ऐसे लगता है कि रिलेशनशिप में मुझे कोई इशू आया है, तो वो इशू जो है वो जल्दी से दूर हो जाएगा। उस इशू की जो प्रॉब्लम्स थी उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, सुनिए, बहुत ध्यान दीजिए अपनी बात पर और उनकी बात पर। और अगर आप पूरी तरह से सरेंडर करते हैं तो न्यू लव भी आपकी लाइफ में आएगा, पूरी तरह से हीलिंग होगी। वो ऐसा लव होगा जो आपको हर तरह से हील करेगा, आपको हर तरह से प्यार करेगा, जो आप डिजर्व करते हो वो आपको प्यार मिलेगा, वो आपको हीलिंग मिलेगी। आप ट्रस्ट कीजिए, नेचर पर ट्रस्ट कीजिए, ईश्वर पर ट्रस्ट कीजिए, अपने एंजल्स पर ट्रस्ट कीजिए, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको एंजेलिक गाइडेंस बोर्ड के थ्रू जो एंजल जो है आपको बताना चाहते हैं वो मैं बता रही हूँ। एक और मैं वीडियो जरूर इसमें आगे आपको अपलोड करके दूंगी, जिसमें आपको स्पिरिचुअल पाथ, आपकी अपनी साइकिक डेवलपमेंट, आपका क्या लाइफ पर्पस है और आप किस लिए यहां आए हैं और कब ये टाइमिंग आपको मिलेगी, कब आप ये कर सकेंगे, यस और नो में साथ में आपको लेकर आपको ये रीडिंग जो है वो मैं दूंगी, ताकि आपको जो अपने एंजल्स हैं वो जो भी गाइडेंस देखना चाहते हैं वो दे पाए और आप अपने एंजल्स की गाइडेंस को स्वीकार कर पाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।